जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। दोस्तों आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग अपने 3 मुकाबले जीत के 6 पॉइंट के साथ टॉप 4 में अपना जगह बनाई हुई है। ऐसे में अब 2 गुड न्यूज निकल के आ रहा है चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले गुड न्यूज का बात करें तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है बेन स्टोक्स को लेकर। यह दोस्तों बता दें कि बेन स्टोक अगला मुकाबला यानी कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वह बिल्कुल 100% फिट हो चुके हैं, बल्लेबाजी भी करेंगे और गेंदबाजी भी करेंगे चेन्नई सुपर किंग के तरफ से आईपीएल 2023 में सनराइजर हैदराबाद के लिए, जो कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर का तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है सिसांदा मगाला से। जहां दोस्तों बता दें सिसांदा मगाला का हाथ पर चोट लगा था, अब उनको लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि सिसांदा मगाला जल्द ही फिट होने वाले हैं, लेकिन बता दें कि अभी भी 1-2 मुकाबला शायद सिसांदा मुकाबला ना खेल पाए। ऐसे में अगले 2 मुकाबले के बाद से फिर से चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों यह भी एक बेहतरीन खबर है क्योंकि सिसांदा मगाला बेहद ही अहम खिलाड़ी थे चेन्नई सुपर किंग के लिए। तो दोस्तों यह 2 बेहतरीन खबर जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए निकल के आ रहा था। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।